कहानी दो मेंढक। एक बार की बात है, दो मेंढक जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे दोनों गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा था और बाहर निकलना मुश्किल था। दोनों मेंढक ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ऊपर खड़े दूसरे मेंढक उन्हें देखकर कहने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, ये बहुत गहरा है, कोशिश करना बेकार है। उनकी बातें सुनकर एक मेंढक ने हार मान ली और उसने कोशिश करना छोड़ दिया। वह थक कर मर गया, लेकिन दूसरा मेंढक लगातार कोशिश करता रहा। वे बार बार कूदता और गिरता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। ऊपर खड़े मेंढक उसे भी मना कर रहे थे, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने एक ऊंची छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर निकल आया। ऊपर खड़े सभी मेंढक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, जब हम तुम्हें मना कर रहे थे तब भी तुमने कोशिश करना क्यों नहीं छोड़ा? तब मेंढक ने इशारे से बताया कि वह बहरा है। उसने सोचा कि वे सब उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहा और सफल हो गया। नैतिक शिक्षा, हिम्मत और लगातार प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दूसरों की नकारात्मक बातें हमें रोक नहीं सकती, अगर हम खुद पर विश्वास रखें।